ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ए इनवर्स निकालना सीखा था, ठीक है। आज भी हम लोग ए इनवर्स के ही कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है। ए गिवन है यहाँ पे और हम इसको रो में पढ़ेंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। हमें इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, ठीक। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ए इनवर्स कैसे निकलता है, ठीक है। ए इनवर्स इक्वल टू होता है आपका एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ठीक है। और एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, हम किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स पहले निकालते हैं, फिर उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारा एडजॉइंट ए मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक। मतलब एडजॉइंट ए इक्वल टू आपका आ जाएगा कैपिटल ए आई जे मैट्रिक्स जो बनेगी उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, जहां पे कैपिटल ए आई जे जो है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं स्मॉल ए आई जे, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है इसको स्मॉल ए आई जे, यानी ए वन वन स्मॉल ए वन वन स्मॉल ए वन टू स्मॉल ए टू वन स्मॉल ए टू टू, ठीक है। क्योंकि एडजॉइंट ए पर मॉड ए होता है तो हमें पहले मॉड ए भी निकालना पड़ेगा। मॉड ए मतलब होता है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। वी हैव ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, दैट इंप्लाइज मॉड ए इक्वल टू आपका आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन, देखिए वन आया यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हो गया कि मॉड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। और वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं मॉड ए इक्वल टू जीरो तो ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और मॉड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तो ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले मानते हैं, नाउ लेट द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे कैपिटल ए वन वन कैपिटल ए वन टू कैपिटल ए टू वन कैपिटल ए टू टू, ठीक है। चलिए वैल्यू निकालते हैं हम इन एलिमेंट्स की। ए वन वन द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए वन वन इक्वल टू होगा माइनस वन की पावर आई प्लस जे, यहां पे आई की वैल्यू वन हो जाएगी और जे की वैल्यू भी वन हो जाएगी। आई रो को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। माइनस वन की पावर वन प्लस वन यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, जो बचेगा वो इसके इनटू में आ जाएगा, यानी कि कॉस अल्फा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट तो कॉस अल्फा बचेगा इनटू कॉस अल्फा, माइनस वन की पावर टू आपका प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन इनटू कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक। ए वन टू निकालते हैं, ए वन टू बराबर हो जाएगा आपका द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए वन टू, यानी माइनस वन की पावर वन प्लस टू, वन प्लस टू यहां पर आई की वैल्यू वन है और जे की वैल्यू टू है। आई वन यानी कि फर्स्ट रो, जे टू मतलब सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, जो बचेगा वो इसके इनटू में आ जाएगा यानी कि साइन अल्फा। तो माइनस वन की पावर थ्री इंटू साइन अल्फा, माइनस वन की पावर थ्री का मतलब माइनस वन, ठीक, यानी कि माइनस साइन अल्फा आ जाएगा। ओके, ए टू वन, ए टू वन मतलब द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए टू वन, माइनस वन की पावर टू प्लस वन, टू प्लस वन मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, जो बचेगा इसके इनटू में लगा देंगे माइनस साइन अल्फा, ठीक। तो माइनस वन की पावर क्यूब इनटू माइनस साइन अल्फा, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि प्लस साइन अल्फा, ठीक। ए टू टू यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो बचेगा कॉस अल्फा, और यहां पे आएगा द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए टू टू, माइनस वन की पावर टू प्लस टू इनटू कॉस अल्फा आ जाएगा। भाई सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटा देंगे तो कॉस अल्फा बन जाएगा, माइनस वन की पावर फोर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू प्लस वन होती है, प्लस वन इंटू कॉस अल्फा यानी कि कॉस अल्फा। तो इसका मतलब हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ए वन वन की वैल्यू कितनी है, ए वन वन की वैल्यू कॉस अल्फा, ए वन टू की वैल्यू माइनस साइन अल्फा, ठीक है, ए टू वन की वैल्यू साइन अल्फा और ए टू टू की वैल्यू कॉस अल्फा। ये आपका आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक। हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, देन दैट इंप्लाइज एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए आपका आ जाएगा कैपिटल ए आई जे, जो मैट्रिक्स निकली है कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये ए आई जे ही है, हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक। जब ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज का मतलब होता है
सभी रो सभी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब पहली रो पहला कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहली रो है आपकी कॉस अल्फा माइनस आई अल्फा, वो पहला कॉलम बन जाएगा, मतलब कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रो है साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा यहां आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका यहां पे कॉस अल्फा, ठीक। ये आपका आ गया एडजॉइंट है, ठीक। अब हमें निकालना है ए इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स का हम फॉर्मूला हम बता चुके हैं, ए इनवर्स इक्वल टू आपका आएगा एडजॉइंट अपॉन मॉड ए, ठीक है। चलिए दैट इंप्लाइज ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए की वैल्यू है आपकी वन और एडजॉइंट ए की वैल्यू आपकी ये निकली, तो वन अपॉन वन और एडजॉइंट ए की वैल्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, दैट इज ए इनवर्स, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, मैट्रिक्स ए का आपने ए इनवर्स मैट्रिक्स निकाल दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाइंड ए इनवर्स वेयर ए मैट्रिक्स दी हुई है आपको ओमेगा और ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन दी हुई है, ठीक है। तो हमें चूंकि फाइंड ए इनवर्स यानी कि हमें ए इनवर्स चाहिए और ए इनवर्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए करके, मॉड ए मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। यहां पर हम अब सोल्यूशन करते हैं जरा, देखते हैं इसको। देखिए वी हैव दैट, हम किसी भी मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो उसको कैसे निकालते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर देते हैं तो हम वैल्यू पा लेते हैं, ठीक है। जैसे हमें इसमें मॉड ए चाहिए तो एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू आर वन, ठीक है। तो मॉड ए इक्वल टू आएगा आपका वन इंटू, पहला एलिमेंट लेंगे वन इंटू, तो पहली रो और पहले कॉलम को एलिमेंट कर देंगे, यहां पे आएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा माइनस वन, सेकेंड एलिमेंट माइनस वन, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को एलिमेंट कर देंगे तो जो बचेगा हम यहां पे लिख लेंगे वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। प्लस लास्ट एलिमेंट है ऊपर रो में वन, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, यहां पे आएगा वन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू जब वैल्यू निकालेंगे तो टू क्रॉस टू की जब डिटरमिनेंट बनाते हैं तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस तरह से इसका इसका गुणा माइनस इसका गुणा, बाहर तो वन है वन इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा यानी कि ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर फोर, माइनस आएगा यहाँ पे, फिर वन इंटू ओमेगा यानी कि ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर फोर को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम यहां पे चूंकि दी हुई है वन है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू यहां पे दिया हुआ है वन है, तो वो वन वैल्यू यहां पे इसकी रख देते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस वन इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया थ्री ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा वन इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा आएगा और ये माइनस ओमेगा हो जाएगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा, तो माइनस थ्री ओमेगा, थ्री हम कॉमन कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा ब्रैकेट में
ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए यानी कि मॉड ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम निकालना चाहेंगे एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, लेट द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए ए आई जे, ठीक है, यानी ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए वन वन, ठीक है, ए वन वन निकालेंगे तो दिस एलिमेंट, ठीक है, यानी माइनस वन की पावर वन प्लस वन। ठीक है, फर्स्ट रो है ये, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, जो बचेगा उसको हम नोट कर लेंगे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा वैल्यू निकालें, माइनस वन की पावर टू हो जाएगी वो प्लस हो जाएगा, ये इसका इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका इसका मल्टीप्लाई, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर फोर। ठीक है, और इसका वैल्यू आ जाएगा, हम ओमेगा की पावर फोर लिख सकते हैं, ओमेगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन हो जाएगी, यहाँ पे हम मान रख देंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, ये आपका आ गया ए वन वन की वैल्यू। चलिए ए वन टू आते हैं, माइनस वन की पावर वन प्लस टू, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, जो बचेगा वो नोट कर लेंगे, वन ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस वन की पावर यहां पे थ्री हो जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू ऐसे निकालेंगे वन टू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस वन के अंदर गुणा कर देंगे तो ये अंदर आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ए वन थ्री का मान कैसे निकालेंगे, चलिए माइनस वन की, पावर वन प्लस थ्री हो जाएगा, ए वन थ्री मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जो बचेगा वो नोट कर लेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, वन ओमेगा, स्क्वायर बचेगा, माइनस वन की पावर फोर हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट में आएगा वन टू ओमेगा स्क्वायर, वन टू ओमेगा माइनस, तो इसकी वैल्यू भी वही आ गई वन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, ठीक, तो अब आते हैं वैल्यू हम निकालते हैं किसकी, ए टू वन की, ए टू वन मतलब माइनस वन की पावर टू प्लस वन। ठीक है, टू प्लस वन यहां पे टू रो हो गई और वन आपका कॉलम हो गया, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो बचेगा वन वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, वन वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, माइनस वन की पावर क्यूब माइनस वन हो जाएगा और इसका हम वैल्यू निकालें तो वन टू ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, माइनस वन अंदर गुणा हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, चलिए ए टू टू की वैल्यू निकालते हैं, ए टू टू मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, और यहां पे आएगा माइनस वन की पावर टू प्लस टू। ठीक है, तो क्या बचेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट, वन 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 ओमेगा, माइनस वन की पावर फोर यानी कि प्लस हो जाएगा और ये वन टू ओमेगा ओमेगा आएगा और वन टू वन यानी कि वन ओमेगा माइनस वन। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी ए टू टू की। चलिए नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं, ए टू थ्री, मतलब माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री और डिटरमिनेंट में क्या बचेगा, ए टू थ्री मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट, बचा आपका वन 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 ओमेगा स्क्वायर, माइनस वन की पावर फाइव हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहां पे आएगा ओमेगा स्क्वायर
माइनस वन, यानी ये आपका आ गया वन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए थ्री वन। ठीक है, ए थ्री वन का मान क्या होगा, माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन, ठीक है, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, वन वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, माइनस वन की पावर फोर, ये प्लस हो जाएगा और यहां पे आपका आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ए थ्री टू, माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू, ठीक है, डिटरमिनेंट में क्या बचेगा, ए थ्री टू है तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, वन 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 ओमेगा स्क्वायर, वन 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 ओमेगा स्क्वायर, माइनस वन की पावर फाइव माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट में आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन माइनस ओमेगा स्क्वायर। ए थ्री थ्री, ए थ्री थ्री मतलब माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री, थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट, यहाँ आएगा वन 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 ओमेगा, माइनस वन की पावर सिक्स आपका प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा ओमेगा माइनस वन। ठीक, देखिए सबकी वैल्यू निकाल ली है, सभी वैल्यू हम लोग यहां रख देंगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, हटा देते हैं इसको, देन कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ए वन वन, ए वन वन की वैल्यू निकली है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, ए वन टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ए वन थ्री ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ए टू वन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है, ए टू टू ओमेगा माइनस वन, ए टू थ्री वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ए थ्री वन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ए थ्री टू वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ए थ्री थ्री आपका आया है ओमेगा माइनस वन। ठीक है, ये मान रख दिया हम लोगों ने, तो ये आपका आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक, यानी कि ए आई जे, दैट इंप्लाइज ये आपका आ गया ए आई जे। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ए, तो हम इसका क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, दैट इंप्लाइज एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए मतलब ए आई जे जो आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकली उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब होता है सभी रो को, सभी मतलब सभी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक, सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा माइनस वन, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस वन। तो ये आपका आ गया एडजॉइंट है, क्लियर। अब हमें चाहिए ए इनवर्स, सो ए इनवर्स बराबर आ जाएगा एडजॉइंट ए में हम मॉड ए की डिवाइड, मॉड ए का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दैट इंप्लाइज ए इनवर्स, ए इनवर्स बराबर आपका आ जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, मॉड ए की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी, ठीक, थ्री ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, थ्री ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओके। और वैसे भी ये जीरो नहीं है, मॉड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहां पे डिवाइड किया जा सकता है। एडजॉइंट ए की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा माइनस वन, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर,
और ओमेगा माइनस वन, ये आपका आ गया ए इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। वन अपॉन थ्री ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है, तो ये बराबर आपका आ जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं जरा गौर से देखिएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, राइट। ठीक है, चलिए यहां पे आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। देखिए वन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ओमेगा क्यूब, और यहां पे इंटू वन ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा पावर फोर हो जाएगा और माइनस ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें तो यही आ जाएगा, क्लियर। चलिए यहां पे आते हैं, इन दोनों में अब ओमेगा, तो यहां आएगा आपका ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, वन के स्थान पर हम रख देंगे ओमेगा क्यूब, जब यहां पे ओमेगा क्यूब रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ओमेगा कॉमन हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा बचेगा, क्लियर। ये आपका आ गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर है, यहां पे भी हम ओमेगा क्यूब लिख देंगे, ओके। चलिए ओमेगा क्यूब वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसको हम और ओमेगा कॉमन कर लेंगे तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ब्रैकेट में, ठीक। यहां पे भी वही करेंगे, इसको हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस वन, ठीक। जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, जैसे ओमेगा माइनस वन है, ठीक, हमें इसको कन्वर्ट करना है वन इंटू ओमेगा माइनस वन, ठीक है, वन के स्थान पे ओमेगा क्यूब रख दिया इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब, हम इसमें से ये हो गया आपका ओमेगा पावर फोर माइनस ओमेगा क्यूब, ठीक है, इसमें हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहां बचेगा आपका ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यानी ओमेगा माइनस वन को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, और वन माइनस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहां पे हम वन के स्थान पे ओमेगा क्यूब लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कॉमन कर लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यानी इसके स्थान पे हम ये लिख देंगे, ठीक, तो वही हमने यहां पे किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए पूरी मैट्रिक्स में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सभी में है, तो हम इसको कॉमन कर लेंगे, तो यहां पे आपका आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, नीचे है थ्री ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और यहां ब्रैकेट में आपका बचेगा ये आपका आ जाएगा वन वन वन, ये भी वन, यहां पे ओमेगा स्क्वायर बचेगा, यहां पे आपका ओमेगा बचेगा, ये आपका वन, यहां पे ये कॉमन हो गया ओमेगा बचेगा, और यहां पे ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ओके। तो ठीक है, ये आपका सवाल, ठीक है, ये आपका ऐसे, अब यहां पे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपका बन गया आकर के वन अपॉन थ्री वन 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 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। तो ये आपका सॉल्यूशन अब हो गया, ठीक, तो ये आपका ए इनवर्स आ गया, क्लियर, तो ठीक है, ये सब समझ आ गया। चलिए तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए इक्वल टू 2513 बी इक्वल टू 3547, ठीक है, देन वेरीफाई दैट एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, दो मैट्रिक्स आपको दी हुई है 2x2 ऑर्डर की, ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है, पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं उसका एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है, या फिर पहले दोनों का अलग अलग एडजॉइंट निकालते हैं फिर दोनों का मल्टीप्लाई इस क्रम में करते हैं तो ये बराबर आना चाहिए इसके, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग,
गिवन दैट ए इक्वल टू आपको दिया है 2513 एंड बी इक्वल टू दिया है 3547। पहले ए इंटू बी निकाल लेते हैं हम लोग। ए इंटू बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट कैसे करते थे, 2513 3547 किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हम ऐसे करते थे। पहले वाले मैट्रिक्स की रो लेते थे और रो लेते थे और सेकंड मैट्रिक्स के हम कॉलम को लेते थे, ठीक है। जैसे हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे, इसकी फर्स्ट रो का पहले वाली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का दूसरे वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 × 3 5 × 4 प्लस में फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, 2 × 5 प्लस 5 × 7, ठीक है। फिर सेकेंड रो में आते हैं, 1 × 3 3 × 4 फिर 1 × 5 प्लस 3 × 7, ये आपका आ गया 2 × 3 = 6 5 × 4 = 20 20 and 6 ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पे आपका आ जाएगा 45, यहां पे आपका आ जाएगा 15 और यहां पे आपका आ जाएगा 26। ये आपका आ गया a into b, ठीक है। तो अब हमें इसका एडजॉइंट निकालते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर आपको 2 × 2 यानी कि 2 × 2 की कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, अगर हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, मान लेते ये ए एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसका एडजॉइंट निकालना है, तो हम इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं एडजॉइंट, सिर्फ इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे, यानी डी यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा और बाकी एलिमेंट जो इसके डायगोनल में बचेंगे उनका हम सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, मतलब माइनस बी कर देंगे और माइनस सी, क्लियर। तो एडजॉइंट ए बी क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी आपका आ जाएगा 26। एडजॉइंट ए बी निकालना है डायरेक्ट, तो हाँ ठीक है, 26 26 तो ठीक है 26 और यहां पे आपका माइनस आ जाएगा -45, ठीक है, और ये -15 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी निकालते हैं, ठीक है। नाउ एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा और यहां पे 2 आ जाएगा और ये -5 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। एडजॉइंट बी क्या हो जाएगा, यहां पे 7 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा और यहां पे साइन चेंज हो जाएगा, -5 और -4 हो जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट ए बी हमने निकाल लिया है, अब हमारा एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए निकालना रह गया है, ठीक है। एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए निकालते हैं, ठीक है, दैट इंप्लाइज एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट बी 7 − 5 − 4 3 इंटू एडजॉइंट ए 3 − 5 − 1 2, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 3 + −5 × −1, तो 7 × 3 + 5 × −1 − 5 × −1, ठीक है। फिर 7 × −5 + −5 × 2, −5 − 5 − 5 × 2, इसकी सेकेंड रो में आते हैं, −4 × 3 3 × −1,
माइनस फोर इंटू माइनस फाइव, थ्री इंटू टू। इसको सॉल्व करते हैं, सेवन थ्री जो आपका ट्वेंटी वन आएगा, ट्वेंटी वन प्लस फाइव, ठीक है, यानी कि ट्वेंटी सिक्स। सेवन फाइव जो थर्टी फाइव, और माइनस फाइव इंटू टू माइनस टेन, तो माइनस थर्टी फाइव और माइनस टेन, यानी कि माइनस का फोर्टी फाइव। फोर थ्री या ट्वेल्व, माइनस का ट्वेल्व, और थ्री इंटू माइनस वन माइनस का थ्री, तो माइनस ट्वेल्व एंड माइनस थ्री एड होगा तो माइनस फिफ्टीन, ठीक है। माइनस फोर इंटू माइनस फाइव, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, फाइव इंटू फोर ट्वेंटी हो जाएगा, और थ्री टू या सिक्स, तो ट्वेंटी प्लस सिक्स यानी कि ट्वेंटी सिक्स। अब देखिए गौर कीजिए, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए बराबर ये मैट्रिक्स लिख ली है, और एडजॉइंट ए बी इक्वल टू बी ये मैट्रिक्स लिख ली है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। नाउ वी कैन से दैट, देन वी कैन से दैट एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ठीक, प्रूव हो गया आपका, समझ आ गया, ठीक है, ठीक है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है थोड़े, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे सवाल करेंगे, ठीक है।